दोस्तों, किस्मत तो कभी भी पलट सकती है, ये तो आप मानते ही होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बाबा के ढाबा की वायरल होने की असली रीज़न के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बाबा के ढाबा का वायरल होने का पूरा सच। दोस्तों, बाबा का ढाबा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, या यूँ कह लें कि वो एक छोटा सा ठेला है, जहाँ पर दो बुजुर्ग लोग रहते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ है और करीबन इनकी एज 80 साल है। ये पिछले 30 सालों से दिल्ली के मानवी लगन रोड में अपना ये रेस्टोरेंट लगाते हैं, यानी अपना ठेला लगाते हैं, और वहाँ पर ये काफ़ी कम दामों में बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनका वो रेस्टोरेंट बिल्कुल चलता नहीं है, जो कि रोड के किनारे हैं। लॉकडाउन से पहले, यानी जब कोरोना नहीं आया था, तो उससे पहले उनका बिजनेस ठीक ठाक चल जाता था, यानी वो महीने में 5 से 6 हज़ार रुपये बचा लिया करते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा, उसके बाद उनकी हालत खस्ता होने लगी। उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो जितना लागत लगाते थे, वो लागत भी नहीं निकल पाता था। जब लॉकडाउन हुआ तो उन्हें बहुत परेशानी होने लगी। उनके दुकान पे कोई भी कस्टमर नहीं आने लगा। ऐसे में उनका हालत और भी खराब होने लगा। बाबा का कहना है कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं, लेकिन उनको घर के तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे में वो दोनों बुजुर्ग इंसान अपना पेट पालने के लिए खुद ही मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन उनका जो दुकान है वो बिल्कुल चलता नहीं है। ऐसे में वो काफ़ी परेशान थे और रोने भी लग जाते हैं वो वीडियो में। ऐसे में एक स्वाद ऑफिशियल नाम का एक यूट्यूब चैनल है, जिनके चैनल में करीबन 1,39,000 सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने बाबा के ढाबा का एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में स्वाद ऑफिशियल वाले ने बाबा से वार्तालाप किया, यानी बाबा से बातचीत की। उनसे ये पूछने लगे कि आप कितने का बेचते हो और कितना प्राइस है आपके खाने का। आपको बता दें, बाबा के ढाबा का जो खाने का प्राइस है वो लगभग 30 रुपये है, और उसमें आपको बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाता है। जब स्वाद ऑफिशियल ने ये वीडियो बनाया और उनसे ये पूछने लगे कि आप कितना कमा लेते हो, तो उन्होंने कहा कभी 200, कभी 250 या कभी कभी 450 रुपये कमा लेते हैं। यानी हम जितना लागत लगाते हैं, सिर्फ वही निकल पाता है, प्रॉफिट नहीं निकल पाता। कभी कभी खाना फेंकना पड़ जाता है, ऐसे में बहुत नुकसान होता है हमें। और ये सब बताते बताते बाबा रोने भी लगे और उनकी वाइफ भी रोने लगी। उन्होंने कहा कि हम पिछले 30 साल से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले तो सिचुएशन अच्छा था, लेकिन उसके बाद सिचुएशन बिगड़ने लगा, बहुत परेशानियाँ होने लगी और हमें कोई भी कस्टमर नहीं मिलता था। जब स्वाद ऑफिशियल ने इस वीडियो को अपने YouTube पे डाला, तो मानो चारों तरफ बाबा के ढाबा का चर्चा चलने लगा। बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल, चाहे जी न्यूज़ हो, NDTV हो और ना जाने बड़े से बड़े चैनल, सभी ने बाबा के ढाबा का रिपोर्टिंग किया और सभी ने कुछ ना कुछ हेल्प किया। हेल्प कैसे कर रहे थे लोग? कोई मास्क दे रहा था, तो कोई सैनिटाइज़र, और कोई पैसे के ज़रिए बाबा के ढाबा का मदद कर रहे थे। आपको बता दें, स्वाद ऑफिशियल ने अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे मोबाइल नंबर डाला हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी अगर डोनेट करना चाहता है वो डोनेट कर दे। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने उसमें डोनेट भी किया है। अब डोनेशन का वीडियो वो निकालेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों बता दें, ऐसे ही बाबा के ढाबा पूरे वायरल हो गए और रातों रात वीडियो चारों तरफ फैल गई। फेसबुक पे मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूज़ आए थे और वहीं यूट्यूब पे 6,15,000 से भी ज़्यादा बार इस वीडियो को देखा गया था। ऐसे में रातों रात बाबा का ढाबा फेमस हो गया और चारों तरफ भीड़ लगने लगी। आपको बता दें, जब अगले दिन बाबा का ढाबा मॉर्निंग पे खुला, तो वहाँ पर भीड़ की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बाबा कस्टमर संभाल नहीं पा रहे थे और वो बहुत खुश भी थे। उनके पास चारों तरफ मीडिया वाले खड़े थे, सब उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन वो किसी को भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा थे। ऐसे में वो रातों रात फेमस हो गए और आप ये तो समझ गए कि दोस्तों, सोशल मीडिया पे कितनी ताकत होती है। वो चाहे तो किसी इंसान को आसमान से नीचे ज़मीन में ला के पटक सकती है, या ज़मीन में गड़े हुए इंसान को आसमान में उछाल सकती है। ये होती है असल में सोशल मीडिया का ताकत। दोस्तों, हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ बाबा का ढाबा ही क्यों, इंडिया में और भी ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो बहुत मेहनत से अपने काम को करते हैं, लेकिन बेचारे बिल्कुल भी कमाई नहीं कर पाते हैं। हमें वैसे सारे लोगों की मदद करनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसे लोगों की मदद कर सकें। फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको बाबा के ढाबा की जो पूरी कहानी है, बाबा के ढाबा का वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, आपको सब समझ आ गया होगा। तो चलिए,
मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर ले, ताकि हमारे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।